साल फरवरी के आखिरी दिन को दुर्लभ रोग दिवस या रेयर डिजीज डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद ऐसे रोगों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना है जिनके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बीमारियां बहुत कम लोगों को होती हैं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि इनके मरीजों और उनके परिवार को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उल्टे इन्हें सामान्य रोगों से ग्रस्त लोगों से ज्यादा परेशानी होती है जिसकी तरफ सबका ध्यान खींचने की जरूरत है। तो इससे जुड़ी बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर दिनेश सारडा हमारे प्रोग्राम एक खास बातचीत में। मैं डॉक्टर दिनेश सारडा, मैं पीडियाट्रिक सर्जन तथा पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ, जिसका मतलब है छोटे बच्चों के ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट तथा बाल मूत्र रोग विशेषज्ञ। सर, अगर बात अगर की जाए रेयर डिसीज डे या 28 तारीख को आने वाला 28 तारीख को है, तो रेयर डिसीज डे यानी रेयर जो डिसीजेस होते हैं, कौन कौन से तरह के रेयर डिसीज होते हैं, क्या प्रकार है इनके, क्या कहेंगे आप? रेयर डिसीज डे के उपलक्ष्य पे अपन थोड़ा रेयर डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। रेयर डिसीजेस यानी जो बीमारियाँ कॉमन नहीं है, जो बहुत सर्वसामान्य रूप में देखी नहीं जाती है, उनको रेयर डिसीजेस कही जाती है। रेयर डिसीजेस दो प्रकार के होते हैं, रेयर मेडिकल डिसीजेस और रेयर सर्जिकल डिसीजेस। मेडिकल डिसीजेस यानी जो बीमारियां दवाइयों से ठीक की जा सकेगी, और सर्जिकल डिसीजेस यानी जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि मैं छोटे बच्चों का सर्जन हूँ, आज हम विशेष तौर पर उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो कि ऑपरेशन द्वारा ठीक किए जाते हैं और जो रेयर भी है। वैसे तो कई प्रकार की बीमारियां होती है जिनमें जो रेयर भी है और जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। दो या तीन केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन मैं डिस्कस करना चाहूँगा डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया क्या होता है? ये जैसे अपने शरीर की रचना है, ये ऊपर का छाती का हिस्सा है, ये पेट का हिस्सा है, इन दोनों के बीच में एक पटल है। पटल मतलब एक पर्दा है। नॉर्मली छाती की जो अवयव है वो पेट में नहीं आते हैं, पेट के अवयव छाती में नहीं आते, परंतु इस बीमारी में जिसको डायफ्रैग्मेटिक हर्निया कहते हैं, इस पर्दे में नेचुरली एक छेद रहता है। इस छेद में से पेट के अंदर की अतड़ियां तथा बाकी अवयव छाती के अंदर आ जाते हैं और हार्ट को और लंग्स को प्रेस करते हैं। तो इस बीमारी में बच्चों को सांस लेने में परेशानी निर्माण होती है, अक्सर ये बीमारी पैदा होते ही नज़र आ जाती है, और इसको भी ऑपरेशन द्वारा सही किया जा सकता है। एक रेयर डिसीज़ और एक बीमारी मैं बताना चाहूँगा जिसे माल रोटेशन ऑफ गट कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर का पेट है, ये छोटी अतड़ियाँ हैं तथा ये बड़ी अतड़ियाँ हैं। ये नेचुरली जिस पोजीशन में होनी चाहिए उस पोजीशन में ना रहते हुए अंदर के अंदर में घूम जाती है। ये कभी कभी पैदाइशी भी हो जाती है या कुछ दिनों बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी हो जाती है, जिसे माल रोटेशन ऑफ गट कहते हैं। इसमें ऑपरेशन द्वारा ये अतड़ियों की पोजीशन फिर से ठीक की जा सकती है। ये दो रेयर बीमारियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, उसी तरह कई और भी बीमारियाँ होती है। सर, अगर उपचार संदर्भ में बात अगर की जाए, नॉर्मली रेयर डिसीज जो है इसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। जैसे आपने बताया, बर्थ होते बराबर ही पता चल जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन उसको बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि आगे चल के ठीक होगा, आगे चल के करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। अधिकतर लोगों की मानसिकता यही होती है कि जितना बीमारी को आगे ढकेल सके, क्योंकि किसी को भी अच्छा सुनना पसंद आता है। यदि डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं, ये बीमारी नहीं, कुछ नहीं है, सब ठीक है, तो वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह वो उन लोगों का डिसीजन फॉलो करते हैं जो डॉक्टर नहीं भी हो, उनके परिचय में हो कोई पैरामेडिकल पर्सन हो और उन्होंने उनको कहा कि नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है, देखेंगे आगे देखेंगे, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको इस तरह से वो नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरी इन लोगों को राय यही रहेगी या एडवाइस यही रहेगा कि नहीं, जो रेयर बीमारियाँ चूँकि रेयर है, वो सर्वसामान्य नहीं है, डॉक्टर ही इनको बराबर से डायग्नोस कर सकते हैं, इनका सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं, और वो मार्गदर्शन का अनुकरण करना चाहिए। सर, इसमें हिचकिचाहट भी एक बहुत बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा रेयर डिसीज अथवा बोला जा सकता है। जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको सबसे पहले हिचकिचाहट होती है, वो बताए कि ना बताए, डॉक्टर के पास जाए कि ना जाए, उसका उपचार करे या ना करे। तो ये हिचकिचाहट के बारे में आप क्या कहेंगे?
मैं कहूँगा कि हिचकिचाहट बिल्कुल निकाल ही देनी चाहिए। डॉक्टर पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। जो भी हमारे क्लिनिकल एसोसिएट है या हमारे जो डॉक्टर है उनके पास पूरी डिटेल में हमने पूरा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और ये हिचकिचाहट बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। जी सर, अगर हम आपके बारे में अगर बात करें, आपने अब तक के ना जाने ऐसे अनगिनत ऑपरेशंस किए हैं और अनगिनत लोगों को जीवन दान दिया है, किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है जब एक बीमार शरीर आपके पास आता है और आप उसको ठीक करके बेहतरीन करके भेजते हैं, और आप जब वो उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, 15-15, 16-16 साल के हो गए हैं और आज भी आपसे कनेक्टेड है, आज भी थैंक यू आपको बोलते हैं, किस तरह की खुशी आपको होती है? जब जिन बच्चों का मैंने ऑपरेशन किया है, कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनका मैंने, जब बच्चे न्यूबॉर्न थे, बॉर्न हुए, उनके सर्जरीज की है, उनमें से कुछ बच्चे अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कुछ मॉडल्स भी बने हुए हैं, तो इन सबको देख के बहुत ही खुशी होती है कि इन माता पिता ने अपने पर भरोसा रख के हमारे ट्रीटमेंट कराए हैं और आज वो इस मकाम पर पहुँचे हैं, और ये खुशी सही में बयान नहीं कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू फील एंड रियलाइज। ओके सर, बात अगर की जा रही है डिसीज के बारे में, तो जनता को क्या संदेश आप चैनल के माध्यम से देंगे? रेयर डिसीजेस क्यों होते हैं ये भी हमको समझना जरूरी है, रेयर डिसीजेस को हैंडल कैसे करना है ये भी हमको समझना जरूरी है, रेयर डिसीजेस क्यों होते हैं। अधिकतर रेयर डिसीजेस का कुछ भी कारण नहीं रहता है। कुछ रेयर डिसीजेस होते हैं जो जेनेटिक रूप में होते हैं, और कुछ रेयर डिसीजेस जो कि बाय बर्थ नहीं है, एक्वायर्ड डिसीजेस है, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने अभी जितनी भी चर्चा की है कुछ बच्चों में होने वाले रेयर डिसीजेस के बारे में बताए हैं, वैसे ही बड़ों में भी होने वाले बीमारियों में रेयर बीमारियाँ होती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि स्वयं को, खुद को समय दे, स्वस्थ रखे, स्वस्थ खाए और खुश रहे। तो और दूसरा, रेयर बीमारियों को हैंडल कैसे किया जाए। रेयर बीमारियों के लिए अपने, जैसा मैंने बताया है, डॉक्टरों को, अपने डॉक्टर के पास जाए, उनसे पूरा अपनी बीमारी के बारे में जो भी छोटे छोटे सिम्टम्स हैं उनको नज़रअंदाज ना करें और उनसे खुल के बात करें। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।